हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। ये है लोहार चौक और यहाँ से अगर हम अंदर मुड़ते हैं तो हमको मिलेगा टूरी हटरी। ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है टूरी हटरी का, सीधा जाना है। टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम जा रहे हैं टूरी हटरी के जगन्नाथ मंदिर। 7 तारीख को है रथ यात्रा। रथ यात्रा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। भगवान जगन्नाथ आप सभी की सारी मनोकामनाएँ पूरी करें। सामने में ही रखा हुआ है ये रथ, देखिए कितना खूबसूरत बनाए हैं। इस साल ये रथ को नया बनाया गया है, इससे पहले एक और रथ था जो लगभग 35 साल के आसपास रहा होगा, उस हो गया रहा होगा उसको, मेरे को देखते हैं। पहले हम कर लेते हैं रथ के दर्शन और इसकी कुछ विशेषताएं मैं आपको बताती हूँ, फिर हम अंदर दर्शन करने जाएंगे। रथ का निर्माण हबीब खान नामक जो कारीगर हैं उनके द्वारा किया गया है। ये जो सामने का चक्का है उसको छोटा बनाया गया है, इसमें स्टेयरिंग लगा हुआ है ताकि कहीं भी मोड़ा जा सके। इस बार रथ में ब्रेक भी लगाए हुए हैं ताकि रथ को मोड़ने और रोकने में आसानी हो। पीछे का चक्का बड़ा बनाए हैं और ऊपर कितना सुंदर लग रहा है रथ, बहुत बहुत प्यारा बनाए हैं। रथ को खींचने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। कहते हैं कि रथ खींचने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और बहुत पुण्य मिलता है। तो आइए अंदर चलते हैं, अंदर से आपको दिखाती हूँ कि कैसे है मंदिर, दर्शन करें आप लोग भी। जय जगन्नाथ स्वामी। इस मंदिर को 500 साल पुराना बताया जाता है, रायपुर के पुराने मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण कलचुरी काल में हुआ था, मूर्ति की स्थापना भी कलचुरी काल में ही हुई थी और ब्रिटिश के समय में भी यहाँ पे जो पूजा वगैरह जो विधि विधान था वो विधि विधान से होता था। मंदिर का निर्माण उड़ीसा से आए हुए कारीगरों द्वारा किया गया। तब से लेकर आज तक मंदिर के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यहाँ मंदिर की शिखा पर ध्वज लहरा रहा है और यहाँ पे है राम जानकी मंदिर, जो है वहाँ का ध्वज है। भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को भी उड़ीसा से लाए गए हैं। ज्येष्ठ माह की जो पूर्णिमा तिथि होती है उस दिन भगवान को सहस्त्र धारा स्नान कराया जाता है। स्नान के बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं और 14 दिन के लिए फिर वो उनको एक अलग से कमरे में रखा जाता है, जहाँ उन्हें विभिन्न प्रकार की औषधियों और काढ़े का भोग लगाया जाता है। विशेष तिथि जैसे कि पंचमी, अष्टमी, नवमी ऐसी तिथियों पर उन्हें काढ़े का भोग लगाया जाता है। चलिए आप दर्शन कर लेते हैं भगवान जी का। सबसे पहले यहाँ है तुलसी मैया, फिर ये देखिए भगवान शंकर का मंदिर। भगवान भोलेनाथ यहाँ सह परिवार विराजमान है। देखिए कैसे मटका रखा गया है भगवान में जल चढ़ाने के लिए, जल अभिषेक करने के लिए। बगल से ब्यारे जैसा है, यहाँ पे कुआं है। यहाँ पे भी भगवान भोलेनाथ का ही मंदिर है, आइए दर्शन कर लेते हैं। उस वाले मंदिर में भी 2 शिवलिंग था, यहाँ पे भी 2 शिवलिंग है और माँ पार्वती हैं, गणेश जी हैं और नंदी महाराज भी हैं। फिर यहाँ पर है भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर, आइए आपको मैं दर्शन कराती हूँ। गर्भगृह के ना दोनों ओर द्वारपाल हैं और फिर अंदर भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता माता और नीचे बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। यहाँ पे ना बैठने से एकदम अच्छा लगता है। ये द्वार के दोनों ओर नाग बने हुए हैं, ऊपर जो नक्काशी हुई है बहुत सुंदर है। और यहाँ पर है माता संतोषी का मंदिर। अब चलिए मैं आपको दर्शन कराती हूँ जगन्नाथ भगवान जी के। पुराने जमाने में नहीं होता था लकड़ी का पिल्लर, ये वैसा ही लकड़ी का पिल्लर है, फिर अंदर जैसे उस टाइप का ही मंदिर है। ये हैं भगवान गरुड़। राम जी के मंदिर में जैसे द्वार के दोनों ओर द्वारपाल थे ना, वैसे यहाँ पे भी द्वार के दोनों ओर द्वारपाल हैं। और ये एक और रूम है, यहाँ पे भी
दोनों द्वारपाल हैं, और ये हैं हमारे जगन्नाथ प्रभु। ये वीडियो मैं बनाई थी पूर्णिमा के पहले दिन, और अभी तो भगवान बीमार हैं तो ये अभी आराम कर रहे हैं, इसलिए अभी मंदिर में आपको इनके दर्शन नहीं होंगे। आप 14 दिन बाद जब भगवान जी अपने स्थान पर आ जाएंगे तब उनके दर्शन हो पाएंगे। भगवान जगन्नाथ की इन मूर्तियों को पूरी से लाया गया है। रथ यात्रा के दिन जो इनका श्रृंगार होता है वो भी पूरी से ही आता है। कहते हैं जो पूरी नहीं जा पाता वो यहाँ दर्शन कर ले तो उसको उतना ही फल मिलेगा। भगवान जब बीमार होते हैं तो इस रूम में ही वो विश्राम करते हैं। 14वें दिन जब उनकी तबीयत ठीक होगी तब वो आँखें खोलेंगे, और 15वें दिन वो फिर नगर भ्रमण करने के लिए और अपनी मौसी के घर घूमने के लिए जाएंगे। लाखे नगर में जो जानकी मंदिर है उसी को गुड़ीचा मंदिर मानते हैं, वहीं पे भगवान रहते हैं। और ये है संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर। 10 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ गुड़ीचा मंदिर यानी कि लाखे नगर में जो जानकी मंदिर है वहाँ पे रहेंगे, और फिर वापस अब यहाँ मंदिर पे आएंगे। कहते हैं जब भगवान घूम कर आते हैं तो लक्ष्मी माता गुस्सा हो जाती है और उनको एक दिन अंदर नहीं आने देती हैं। आइए अब मैं आपको वो जगह दिखाती हूँ जहाँ पे भगवान को सहस्त्र धारा स्नान किया करवाया जाता है। तो ये है वो जगह जहाँ पे भगवान को सहस्त्र धारा स्नान करवाया जाता है, और फिर उनकी आरती वगैरह होती हैं, पूजा पाठ होता है, उसके बाद भगवान को चंदन लगा के फिर अंदर रूम में ले जा के रखते हैं। ये है हनुमान जी का मंदिर, है हमारे पुरानी बस्ती स्थित पुरातन काल 500 साल पुराना मंदिर जगन्नाथ मंदिर टूरी हटरी का। आप लोगों को इसका दर्शन करके कैसा महसूस हुआ? भगवान जगन्नाथ जब अपने धाम लौट आएंगे तो आप लोग भी दर्शन करने अवश्य आइएगा, और ये वीडियो कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।